मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नगर पंचायत जियनपुर में भाजपा प्रत्याशी मंजू राय ने अनेक समर्थकों के साथ नामांकन किया, वहीं जीत की हुंकार भरी। सोमवार को सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नामांकन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उत्साह का प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, संगठन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी मंजू राय ने नामांकन में शामिल होने आए देवरिया के सांसद रमापति राम ने बताया कि आज जो परिस्थिति है और से उसे साफ जाहिर होता है कि भाजपा प्रत्याशी की ही जीत होगी। वहीं भाजपा काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। हम जनता को बताएंगे कि हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें पूरा स्नेह मिलता है और मिलता ही रहेगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी मंजू राय के पुत्र अभिषेक राय ने कहा कि सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर भाजपा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मकान दिया तो हिंदू मुसलमान दोनों को दिया, राशन दिया तो सभी को दिया, यदि शौचालय दिया तो सभी लोगों को बिना भेदभाव के साथ दिया। ऐसे में पूरा भरोसा है कि हम जीत कर आएंगे और दिखाएंगे। इस दौरान अजमतगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, पिंटू हरैया प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह, भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, संदीप सिंह, विकास राय, रितेश यादव, निर्भय सिंह, सत्यम चौबे आदि लोग मौजूद रहे। प्रथम मैं अपने जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और माताजी को प्रत्याशी बनाया गया है नगर पंचायत जीएनपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किसी भी दशा में किसी भी रूप में हम लोग यहाँ से जीत सुनिश्चित करके माननीय योगी जी के माननीय जिला नेतृत्व के झोले में डाले। देखिए मुद्दा यहाँ विकास का है, सर्वप्रथम मुद्दा विकास का ही है। जो नगर पंचायत पिछले 10 सालों से 15 सालों से, या ये कह लीजिए कि इससे पहले जब टाउन एरिया बना तो सिर्फ में सर्वप्रथम जो नेतृत्व रहा भारतीय जनता पार्टी का, कुछ बहुत अच्छे चेयरमैन यहाँ पे हुए, उसके बाद से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारा नगर पंचायत जीएनपुर, उस मूलभूत सुविधाओं को नगर पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना, जो हमारे माननीय योगी जी का और मोदी जी का भी यही ध्येय है कि किसी भी सुविधा को इस प्रदेश के अंतिम नागरिक तक पहुँचाने का जो ध्येय है उसको हम पूरा करें। कोई बागी तेवर नहीं है, सभी लोग अपने हैं और सब लोग हमारे गार्जियन हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहे थे, हम सभी लोग एक हैं और हम सभी लोग मिल करके नगर पंचायत में नगर पंचायत की सीट को जीतने का प्रयास करें। कमल खिलाएंगे? बिल्कुल, किसी कीमत पर कमल खिलाएंगे।